दायरे में रहकर कोई संगीत को तो नहीं सुन सकता, चाहे वो किसी भी भाषा में। संगीत का कोई दायरा नहीं है, पर हमने कोशिश की है। उसके जो कोशिश है भोजपुरी को, हम भोजपुरिया हैं, हम यहाँ से लोग लंदन में भी जानते हैं कि हमारी गुलामी है। अगर हम हैं लंदन में और हमें पहचाना जा रहा है तो हम भोजपुरी ही हैं। हमारा गाना लंदन में बजता है ये मैंने नहीं रखा। एक लड़का भोजपुरी से होकर लंदन जाता है और वहाँ से लोग बोलते हैं कि बिहार का बेटा है, क्या हमारी भाषा का सम्मान नहीं है? तो कोई जरूरी नहीं है, गाने से ही सम्मान दिया है। लालू प्रसाद जी को पूरी दुनिया ने अपने आप बड़ा किया, हमारी तो हम किस भाषा से हैं ये मायने रखता है। भाषा को कहाँ लेके जा रहे हैं हम, अगर पहुँच गए भाषा को। सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी हिंदी है। हम आज किसी कोने में जाते हैं, दुनिया के किसी इंडिया से बाहर भी, आउट ऑफ इंडिया में जाते हैं तो हमें जाना जाता है, हमें दुनिया पहचानती है, ये हमारी उपलब्धि है। अब ऐसा नहीं कि वहाँ गाना बजेगा तभी हमारी उपलब्धि है, हम वहाँ बज रहे हैं, अगर हम बजे नहीं तो वहाँ गए कैसे? तो हमें तो कहीं ना कहीं संगीत से जाना ही गया ना कि खेसारी तो आप उससे एक मत करिए कि हाँ आप वहाँ गाना बजवा लो। आज हमारे पापा जींस पहनते थे जबकि लोग पहले धोती पहना करते थे। तो चीज़ें बदलती है और उसके साथ अगर हम नहीं बदलें तो उसके बाद भी कहेंगे कि आज भी आप वही कर रहे हैं, आप बदल नहीं पा रहे, जनरेशन को समझ नहीं पा रहे। तो हमारे सवाल आपके बिल्कुल सही थे, लेकिन आज आपके ही घर में लड़कियाँ जींस पैंट पहनती हैं, आप उनको क्यों नहीं बोलते हैं सलवार सूट पहनने के लिए? आप अपने पत्नी को खुद ही जींस पैंट पहना कर और बाइक पर बैठा कर मार्केट लेकर जाते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं कि साड़ी पहन? तो चीज़ें बदलती है, जनरेशन चीज़ें बदलता है, बात वही है, उसका डिजाइन अलग है। भोजपुरी नहीं बदलेगी, स्टाइल बदलता है, भाषा नहीं बदलता, भाषा तो वही है। आज का खोइबो कहाँ जाइबो, खोइलो कि ना खोइलो, बोलेगा तो वह बात, लेकिन बोले कि स्टाइल चेंज बात। पहले हम धोती पहन के बोलते थे कि पहले हम जब जाते थे किसी के लड़का देखने तो सर चिवड़ा मीठा मिलता था। आज कोई दे सकता है क्या? आज कोई देगा तो दुनिया बोलेगी भाई अभी पुराने ख्याल आ गए। तो इंसान बदले कैसे? सबसे पहले हमें अपनी मानसिकता को बदलनी पड़ेगी। देखिए आप